जो अभी जो स्टैंडर्ड बुलेट थी उन्होंने जो अभी चेंज की नई वाली निकाली है उसमें बस ये फर्क है। हम एक बाइक लेने सात लोग आ गए टेस्ट ड्राइव करने या बारी बारी सबने करी, आखिरी मैं था तो लाइसेंस दिया था भीषण का। अच्छा, तो जब टेस्ट ड्राइव करने के लिए चले गए ना मैं वापस ले गया गाड़ी धुआं दे गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज की शुरुआत कर रहे हैं ऐसे मौसम के साथ में, भाई कितना बेहतरीन मौसम है। बस अभी अभी बारिश रुकी है और बढ़िया बारिश की बूंदे आप देखो अभी भी रुकी हुई है। तो भाई आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा होने वाला है कि आज हम जा रहे हैं इंटरसेप्टर और जीटी कॉन्टिनेंटल की टेस्ट ड्राइव के लिए। तो हो सकता है अगर मोहित को पसंद आ गई तो आज बुक भी कर दें। तो भाई आज का जाने का मेन पर्पज ये है कि मोहित को लेनी है बाइक, तो वो दो तीन ऑप्शन तलाश कर रहा है, बाकी देखते हैं आज जाके कैसे क्या रहने वाला है, चलते हैं। ये है भाई बारिश से सबसे बड़ी परेशानी का कारण, दो बूंद पड़ती नहीं और भाई साहब हालात देख लो, पानी कहाँ से निकल रहा है, इसकी आंखों में से निकल रहा है पानी। भाई आगे जो हुए थे ना फोगलैम के अंदर से पानी निकल रहा है सब पूरी तेज तेज। भाई पानी देखना यार सही में, भाई पूरी रात से बारिश चल रही है तो पानी तो होना ही होना है। भाई अभी मोहित का फोन आया, वो है मुस्कान मोटर्स डाबड़ी, तो वो डाबड़ी आया हुआ अपनी गाड़ी को लेके, कुछ काम वाम कराना होगा उसने, तो बोला मेरे को यहीं से पिक कर ले, तो फिलहाल उसको पिक करके फिर चलेंगे। और जो बाइक को देखने कह रहा है, बाइक उसके मन की इच्छा हो रही है इंटरसेप्टर, अपाचे और हिमालयन। तो भाई अपाचे जो 300 वाली जो बीएमडब्ल्यू के इंजन वाली आई थी उसमें एक नया अपग्रेड वर्जन आया है इनके खुद का इंजन का, तो अभी फटाफट उसको करते हैं पिक, यहाँ से 3-4 मिनट लगेगी, उसके बाद फिर चलते हैं यार आगे। मैं पहुंच गया यहाँ पे, मोहित कहाँ है लेकिन उसको देखना पड़ेगा, अंदर होगा मेरे ख्याल से, उतर के देखता हूँ। दुकान पर कहाँ प्रॉपर करी है? अबे दुकान का क्या नाम है साले? मुस्कान, उसी का तो लोकेशन दिया है, मुस्कान मुस्कान। कितनी देर लगेगी मेरे को यहाँ से आने में? यहीं पे हूँ अभी तो, राजापुरी। तू कहाँ है? तुझे वहाँ से लगेगी 7 मिनट, 7-8 मिनट। फोन काट। इसको मैंने बताया नहीं है कि मैं पहुंच गया हूँ, तो चलो भाई इसको सरप्राइज करेंगे साले को। एक्सपर्ट सीएनजी बता रहा था वो, उसके बाद मुस्कान कहाँ है ये? हाँ भाई क्या हो रहा है? पीछे लगा दी मैंने एक्सपर्ट के, वहाँ पे गाड़ी वहीं से निकल जाएंगे ना हम, कट लेके क्या काम है गाड़ी में? भाई इसकी सर्विस है। अच्छा, इसका जो आगे वो रेडिएटर होता है ना पूरा, वो गाड़ी जो चौक है वो बदलवाना है, और तो उसकी गैस निकलेगी, गैस वापस डाल लेगा, सब कुछ निकला ही रहता है, इसको बेच देना। नहीं बेच सकते, ये चलती है 1 किलोमीटर भाई, इसको बेच सकते हैं। कब तक होगी? ठीक है चले चल भाई, देख लेगा गाड़ी ले आइए, ठीक है गाड़ी लगा दिए। पर उस आवाज का, कूलेंट का आवाज का मैं चला कर, मेरा नंबर ले लो, अगर जो होगा मैं आपको कॉल, मेरा नंबर ले लो या भाई से करवा दीजिए। हाँ भाई के नाम, चल ठीक है आ जाए। भाई चाबी यहाँ रखिए गाड़ी की, एसी में रखिए। वो वाइपर का बता दीजिए, वाइपर में है क्या दिक्कत? कर लिया पिक और फिलहाल हम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड। अभी तो हमने मॉडिफिकेशन करा है, देखिए 1.5 घंटा हो गया भाई। हां भाई 1.5 घंटा तो भाई अभी बस हम रॉयल एनफील्ड जा रहे हैं, तो रॉयल एनफील्ड जाके आज बाइक की टेस्ट ड्राइव लेनी है। तो आज बस आज का मेन हमारे निकलने का मकसद ये था कि भाई आज हमें बाइक की टेस्ट ड्राइव लेनी है और बाइक बुक भी करानी है, तो अगर कोई पसंद आ गई तो आज हम बुक भी करा देंगे। बराबर है मोहित? बराबर है बाबा। और भाई जब इसकी बाइक आ जाएगी फिर हम जाएंगे बाइक राइड पे। अच्छा, तेरी वाली बाइक पे। पहुंच गए हैं सामने रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। हाँ क्या कर, अरे वॉक्सवैगन का शोरूम भी खुल गया यहाँ पे तो। हाँ क्या कह रहा था? मैं बोल रहा हूँ जब लास्ट टाइम यहाँ आए थे ना, तो जब भीषण को बाइक लेनी थी, अच्छा एफजी, तो एफजी ले रहा था वो, तो मैंने बोला एक बार हंटर आई, हंटर देख ले इनकी, नहीं आई थी हंटर तब। तो हम एक बाइक लेने सात लोग आ गए टेस्ट ड्राइव करने, बारी बारी सबने करी, आखिरी मैं था। तो लाइसेंस दिया था भीषण का। अच्छा, तो जब टेस्ट ड्राइव करने के लिए चले गए ना मैं वापस ले गया गाड़ी, धुआं दे गई वो, उसके पैड में से, इंजन में से ना पता नहीं क्या हुआ, एक प्लास्टिक पार्ट लग के जलने लग गया वो। अच्छा, क्योंकि सबने चलाई नहीं थी, रगड़ी थी वो गाड़ी। हाँ। भाई सारा शोरूम बाहर आ गया।
कहती ये क्या कर दिया, मकान लाइसेंस दे तुम्हारी बाइक गड्डिया भाई। इसको मैं वैसे याद ना हूँ मैं। नहीं यार बाइक अच्छी है, मैंने बहुत पकाई भाई वो। हंटर अच्छी नहीं है बाइक। अरे अच्छी बाइक है भाई, हंटर अच्छी तो नहीं है बाइक। इसकी शॉकर के लिए बता दे इसको, शॉकर्स बदलवाने पड़ेंगे इनको अपने। देखिए आई है नई क्लासिक भाई ये घड़ी यार, उधर ही लगानी थी गाड़ी यार, अपना गलत आ गया यहाँ। तो अगले वाले से लेनी थी ना, तूने गलत लिया ना यार यहाँ पे। तू ही तो आगे लेके आ गया था यार, यहाँ से यूटर्न ले, इसके बराबर में जगह हाँ यहाँ चढ़ा दे क्रेटा के बराबर में। नहीं अतिरिक्त सभी सामान रखा, सर्विस में ले ले इसमें। ये स्टैंडर्ड ये वाली कह रहा ना तू? नहीं ये पुराने वाली। हाँ मतलब है तो स्टैंडर्ड ही। अब क्लासिक में स्टैंडर्ड मुड़ गई क्या? देखियो मुड़ गई। अब भाई क्लासिक में स्टैंडर्ड की लुक आ गई है स्कूटी यार। एक हाथ से मत चला तू, ऐसे यही मिलेगी। वो आगे है अल्ट्रोज के आगे पार्किंग में। चल अल्ट्रोज है कोई? हाँ वो रही हटा वाली गाड़ी, वो यहाँ लग जाएगी। ये क्या बकवास है, इधर लगा देता हूँ। यहाँ जगह है ना? हाँ यहाँ लगा दे, सही है। स्कूडा का भी खुल गया है ना शो? स्कूडा स्कूडा स्कोडा होता है, स्कोडा स्कोडा होता है, स्कोडा। हाँ वो तो आ गया तेरा। कौन सा घोड़ा था ना जो तूने बोला था ना, सब आ गया बैठे। यहाँ ले रहे हैं भाई हम क्लासिक की टेस्ट ड्राइव, और ये रही हमारी क्लासिक। चल कैसे रही है? ऐसे मक्खन सी चल रही है, मक्खन सी। अच्छा बढ़िया चल रही है। इधर से ले सामने से दे। तो भाई पहले हम लेंगे 350 की टेस्ट ड्राइव, और फिलहाल इसका मन चल रहा है कि क्लासिक ले लेते हैं या फिर बुलेट ले लेते हैं। इन्होंने जो बुलेट नई वाली निकाली स्टैंडर्ड, वो सेम इसी फॉर्मेट पे निकाली है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसमें लिटिल बिट चेंजेस किए हैं उन्होंने। तो सेम है कलर थीम इन... है क्लासिक वाली। हाँ वो क्लासिक नहीं बुलेट वाली थीम है। जो इन्होंने बुलेट जो अभी जो स्टैंडर्ड बुलेट थी इन्होंने जो अभी चेंज की नई वाली निकाली है, उसमें बस ये फर्क है कि अरे नहीं है ना सिली स्मेल आ रही है उसमें, कि भाई इसमें सिंगल डिस्क है, उसमें डबल डिस्क है, और उसके रियर में भी डिस्क है, और उसके रियर में डिस्क है नहीं, आप देख सकते हो पीछे डिस्क है। बाकी हाँ ये है स्टैंडर्ड वाली, मतलब बाकी है ये क्लासिक। आप देखो बस खाली इन्होंने नाम चेंज कर दिया कि भाई बुलेट लिख दिया, बाकी है ये क्लासिक। सारा पूरी थीम ही वही है यार इनकी। तो यार जो एक वो मजा था बुलेट वाला स्टैंडर्ड वाला, वो खत्म कर दिया इन्होंने, है ना यार। उसकी अच्छी बात है हाँ, जो बुलेट की दिक्कतों से परेशान था ना हाँ, जिसको क्लासिक चाहिए थी पर लुक चाहिए थी वो इन्होंने। लेकिन यार एक उसकी जो हैंडलिंग थी ना वो अलग ही थी भाई, कुछ भी हो चाहे उसकी हैंडलिंग गिरता था ना, पतला टायर होता था इतना सा। उसकी किक स्टार्ट थी, वो किक हटा दी इन्होंने, और पीछे भी डिस्क कर दिया के साथ ना, चेंज होते ही है। अब आवाज भी अच्छी कर दी। हाँ भाई वो करना ही पड़ता है, आवाज भी बढ़िया इसकी बल्कि ना स्टैंडर्ड में एबीएस स्टैंडर्ड, कितनी बड़ी बात है। और भाई आपका ये हजार्ड लाइट दी हुई है इसमें स्टैंडर्ड में ही नहीं, ये तो अब इन्होंने सब में ये वाला फीचर सब में ही कर दिया है। तो चलो अभी इसके लेते हैं टेस्ट ड्राइव, फिलहाल आवाज सुनते हैं इसकी थोड़ी। इसके जो इंडिकेटर है ना चीप से लगते हैं साले। मोहित का नुकसान हो गया। हाँ मोहित का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं भाई अभी थोड़ा इसको चला के देखते हैं चलने में कैसी है। ABS होनी चाहिए कि आका ये डर खत्म हो गया कि ये गिर भी सकती है, है ना? पर थोड़ी हैवी तो लगती है भाई। हाँ भाई यार सेम क्लासिक ही कर दी इन्होंने, पता ही क्या है। पर हाँ कि ये है कि जैसे पहले वाली जो थीम थी ना लिखने वाली, वो वाली बड़ी अच्छी लगती है प्यारी, है ना वाली क्या कि जैसे उसमें लिखा रहता है बुलेट लिखा रहता है, और टंकी भी उभरा हुआ रहता है ना इसका, इनफील्ड का स्टीकर जो है ये उभरा ही तो है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो चीज इन्होंने बरकरार रखी इस वाले में, क्या बोलेंगे उसको, जो उसकी पर्सनैलिटी है ना, जो थीम थी जो पर्सनैलिटी है उसकी स्टैंडर्ड की, वो है इसमें। और जो मजा है ना वो क्लासिक वाला है, मतलब जो उसके मेन वो थे ना कि जिससे उसकी पहचान होती थी, जो जैसे लैंडमार्क बोलते हैं कि जो उसकी जो मेन पहचान थी वो मेरी अभी भी इन्होंने इसमें बरकरार रखी है। दिखती क्लासिक है, चलती दिखती स्टैंडर्ड है, चलती क्लासिक है, और पैसे भी क्लासिक वाले है भाई। भाई महंगी है, 2.5 लाख रुपए कर दिए। पहले जो मेरे स्टैंडर्ड थी ना सबसे बड़ा दुख होता था क्लच और गियर का, इतने हार्ड थे ना भाई इसके, उसमें ना उंगलियां दुखने लगती थी। यार देख हल्का है प्यारा एकदम, बिल्कुल मस्त कर दिया मक्खन जैसा। ओ ये सीट के पीछे तो बढ़िया लगा रहा है सपोर्ट के लिए, बैक 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 सपोर्ट। टूटेगा तो नहीं ना इसके, सारे कहीं बैठ जाऊं मैं भाई, रॉयल एनफील्ड ऐसे टूट जाएगा क्या? देखा
एक काम करते हैं, हम इसका एक बार 0 to 100 करके देखते हैं, है ना? नहीं मैं उतर जाता हूँ। नहीं नहीं उतरना नहीं है, घबराने कोई बात नहीं है। नहीं बात है, घबराने की बात है। तेरे सर पे मिस्टर तोमर व्लॉग्स का हाथ है। नहीं मुझे घबराना है, तेरे सर पे मिस्टर तोमर व्लॉग्स का हाथ है। मुझे नहीं करना 0 to 100। रोइंग रोड पे खड़े हैं आगे जाके। बाकी मेरे को बढ़िया लगी भाई। हाँ अंकल के लिए बेस्ट है हैंडलिंग, देख भाई कितनी मतलब इजी टू ड्राइव। मैंने उनको ना पापा को बाइक दिखा रहा था, मुझे कौन सी बाइक लेनी है। मैंने उनको दिखाई वो कॉन्टिनेंटल, क्या है ये लेना है, इसका मजा है क्लासिक, और उस पर बुलेट के लिए बोल रहे थे वो। अच्छा वो भी कह रहे थे, वो भी यही कह रहे भाई उनसे चलेगी नहीं वो, उनको मन है उनसे चलेगी, ये चला पाएगी यार। ये चलाने में कितनी इजी, पहले वाली थोड़ी मुश्किल थी चलाने में, पर बहुत ईजी हो चुकी है। ये तो क्लासिक ही तो है यार, लुक कितनी बढ़िया आ रही है क्लासिक। ब्रेक भी अच्छे हैं भाई। भाई एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, पिकअप अच्छा है। नहीं पिकअप नहीं, जो रॉयल एनफील्ड है ना उसकी ये बात सबसे अच्छी है कि पहले गियर में चढ़ती है 40 सीधा, उसके बाद नहीं चढ़ती। नहीं यार क्या बात कर रहा है यार, पहले गियर में 40 और दूसरे गियर में 80 भाई, मतलब मेन जो सारा जो सारी अभी हुआ है ना इंजन के बाद। नहीं सारी पावर जो है ना दो गियर में ही है भाई, उसके बाद तो बस गियर लगाओ आप खाली, लेकिन मेन जो पावर है ना पहले दो में ही है, पहले पे 40 दूसरे पे 80। अलग पे भाई कॉन्टिनेंटल थी नहीं, टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं थी, स्क्रीम नहीं थी, लेकिन इनके पास स्क्रैम स्क्रीम स्क्रैम ओए स्क्रीम स्क्रैम नहीं थी। तो भाई अभी आ गए हम तिलक नगर, यही बाहर लगा दोगे फुटपाथ पे, यही दबा दे इसके, है ना? यही दबा दे, टेस्ट। चलो भाई चलते हैं शोरूम के अंदर। मोहित कहाँ गया? लिखा फॉलो ऑन इंस्टाग्राम रॉयल एनफील्ड गन। ये जो ऑब्जेक्ट मिरर है 7100 के हैं ये। क्या अबे ऑब्जेक्ट मिरर पूछे थे मैंने, अरे भाई वो तो 2800-3000 के होंगे, ये है 7100 के, ये तो 3000 रुपए के होंगे। फुटरेस्ट तो फुटरेस्ट भी 5300 रुपए के चार। अरे भाई मेरे मेन तो ये है ना, तिलक नगर जेल रोड से लेंगे अभी माल सारा। सैम मैं आपको बता रहा हूँ, जो अर्बन टूरिंग मोटरसाइकिल है जो डेली यूज के लिए देख रहा है, थोड़ी ट्रेंडिंग देख रहा है, थोड़ा बढ़िया लुक भी हो, कटिंग भी जो आप कोई ऐसी कटिंग नहीं कर सकता जो स्क्रैम कर सकता। यहाँ से अगर मैं आपको कहूँगा नजफगढ़ जाना है आपने, तो सबसे पहले जो गाड़ी जाएगी जीटी कॉन्टिनेंटल क्लासिक, सब कुछ छोड़ने के बाद ये गाड़ी है। हैंडलिंग हैंडलिंग बहुत जबरदस्त है, दूसरा और ऑल टायर एनेबल की ये भी है, आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। तीसरा आप नकल को प्लान हो गया आपका ट्रैवलिंग के लिए, लॉन्ग ट्रिप के लिए आराम से जा सकते हो, बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी और पिकअप भी बहुत। कितने की स्क्रैम? मुझे समझ में नहीं आई। हंटर तो कॉम्पैक्ट है, हाइड अच्छी है ना। अच्छा अभी इसमें थोड़ा कर दो क्लासिक और ये चीज हो गई, खाली 1,00,000 रुपये बढ़ गई है, वो 180 थी 2,64 की जा रही है वो स्टैंडर्ड चेसी और सारा कुछ चेंज हो गया। तो है गाड़ी वो, अच्छा इसी में तो थोड़ा माइंड कर सर पे, और उसमें बहुत फर्क आ जाएगा, वो आपको जो कंफर्ट मिलेगा ना उसमें, जो आपको ये तो लेकिन चला के तो सारे थके गए, वो उन्होंने निकाली इसीलिए मेरे पास अब बात ही नहीं है। मोहित वो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कल को जाने के लिए। हाँ कहीं पे भी इंजन भी सेक्सी है उसका, हिमालयन वाले सिटी ले ले, बाहर ले ले, कहीं ले ले, आने से पहले बिकी होती ना हिमालयन आती नहीं है अभी। अभी जो आप हिमालयन देख रहे हैं ये हिमालय नहीं पहली कसरी है, अभी गाड़ी जानी उनकी 3 से 4 दिन से बाहर उसमें नहीं आते, छलवाई की जरूरत नहीं होती, छोड़े इतने टायर देख लो कितनी ग्रिपिंग है उसके अंदर, फट ही जाती है ना पंचर होने के बाद। अब इसके अंदर क्या होता है आपको मार्केट से जली आती है,
कब तक चलता है जालू? वो आपकी सर 500-600 रुपए की ट्यूब आती है, 300-400 रुपए की है, साल में 2-3-4 साल तक लाइफ होती है उसको, बटा नहीं खत्म होती, सही चीज़ है। जितनी भी आपसे BMW देख लो ट्रैवलिंग वाली, उतनी भी आपको स्पोक्स की मिली, उतने भी लोग यही डालते मुझे भी उसको बताना। जब इस क्रैम की टेस्ट ड्राइव का टाइम आया तो हमें पता चला कि वो पंचर हो रखी है, तो जिसकी वजह से हमें उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पाएगी। तो यार अभी फिर कंपैरिजन वीडियो जो है वो मतलब ऑन ग्राउंड अधूरी रह जाएगी, लेकिन टेक्निकल टर्म की हम बात करें तो ये उससे फार बेटर बाइक है, हमें बहुत अच्छी लगी भाई इससे। और दोनों की अपनी अलग अलग जगह है और अलग अलग पहचान है, तो दोनों को आप अलग अलग नजरिए से देखो, दोनों ही बाइक को आप ले सकते हैं। भाई मोहित का टाइम आ गया जाने का, चल ठीक है भाई, बाय बाय चलते हैं। तो बाइक मतलब यही होता ना, तू जा जाना भाई, तो तू जाना भाई, निकलना भाई, अरे मैं तो खड़ा हूँ यहाँ पे, जाना भाई तू जाना नहीं तुझे, नहीं तू जाएगा कैसे? गाइस ये बहुत अमीर लौंडा था, एकदम से इसने कुछ ऐसा कर दिया है, गरीब हो गया, अब ये ग्रामीण सेवा में जाएगा। चल ठीक है तो भाई, अब मैं भी निकल रहा हूँ घर पे,